हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे होंगे 9 या 9:30 सुबह के, और आज का था संडे, तो इसी वजह से बच्चों को छुट्टी थी और इनको भी छुट्टी थी। मतलब इनकी तो ड्यूटी का कोई वो नहीं है, इनको कभी भी ड्यूटी आ सकती है, इसी वजह से इनकी छुट्टी हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पर ना इन्होंने फिश लेके आए थे, मतलब बाहर गए थे, चिकन लाने गए थे एक्चुअली। तो पता नहीं उनके कैसे ध्यान में आया कि फ़िश लानी है, क्योंकि हम लोग ना इसमें फ़िश ही नहीं डाल रहे थे। उधर से ये फिश लेके आए थे, ये वाले 3-4 फिश लेके आए हैं, और ये वाले फिश पॉट में ना फिश हम लोग डाले जा रहे थे और मरी जा रही थी वो, तो इसी वजह से 2-3 बार इन्होंने फिश लाई और वो मतलब मर गई थी, तो इसी वजह से हम लोग ना इसमें फिश ही नहीं डाल रहे थे। तो इसमें क्या किया था हमने, एक आर्टिफिशियल फिश डाल के रख दी थी, और वही हम लोग फिर ये फिश पॉट सजा के हम लोग रख देते थे, तो इसी वजह से हम लोग फिश नहीं ला रहे थे, बट इस बार ये फिश लेके आए थे। अगर पॉट आपके घर में रहता है ना, तो मतलब इस वाले पॉट में ज़्यादा दिन मछलियाँ रहती नहीं है, और उसको ना खाना वाना ठीक से देना पड़ता है, थोड़ा सा उसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। हम लोग ना बार बार उसको खाना दे रहे थे, तो इसी वजह से वो मरे जा रही थी, तो उसका ना टाइम फिक्स करना पड़ता है खाना देने का, सारा चीज़ें। तो कोई भी आके खाना डाल दे रहा था, तो इसी वजह से वो मरी जा रही थी। तो अभी हम लोग ना एक जन उसकी केयर करेंगे, अभी देखेंगे कितने दिन रहती है ये। तो यहाँ पर हम लोग ना हम इन्होंने उधर से ही वो हरभरा लाया था, इसे हम लोग चना बोलते हैं ना, तो चना जो है वो जब पूरा पकता नहीं है, जब ग्रीन रहता है, उस टाइम हम लोग खाते हैं। यहाँ पर हमें हमारे साइड में मिलता है, आपकी साइड में मिलता है या नहीं मिलता है पता नहीं, सबकी साइड में मिलता होगा आई थिंक, बट मुझे ज़रूर बताना आप लोगों की साइड में मिलता है या नहीं मिलता, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे साइड में जो जो होता है वो आपकी साइड में भी होता है। तो इस तरह से हम लोग वो ग्रीन चना खा रहे थे, और यहाँ पर ना मतलब हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, सर्दी के मौसम में ये वाला चना खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग ये बहुत बार लेके आते हैं, मतलब बहुत बार मतलब डेली ही रहता है घर में ये वाला चना, तो ऐसे समझ लो इसकी सब्जी भी बनती है, तो सब्जी भी बनाते हैं जो चना निकाल के, और रस्से वाली सब्जी, सूखी सब्जी ज़्यादातर इसकी बनाई जाती है घर में, तो ऐसे करके ये चने लाते हैं। और हम दोनों ना शर्त लगाते हैं कभी कभी ऐसे बैठ के कि कौन ज़्यादा फास्ट खाता है, तो आज वो मतलब वो अद्विक को भी खिला रहे थे, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा कम फास्ट खा रहे थे, नहीं तो हम दोनों के बीच में ना शर्त बहुत बार लगती है ऐसे कि कौन जल्दी जल्दी खा सकता है ये वाला चना, तो बहुत बार ये जीतते हैं, कभी मैं जीतती हूँ। आज भी हमारे बीच में शर्त लगी थी, तो मैं जीत गई थी इस बार, क्योंकि ये अद्विक को खिला रहे थे, और फिर बहाना बोल रहे थे कि मैं अद्विक को भी खिला रहा हूँ, मैं भी खा रहा हूँ, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी खा पा रहा हूँ, तो ऐसे करके हमारे बीच में ये शर्त लगती है। और ये वाला चना ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, अगर आपने खाया होगा तो आपको पता होगा। हे गाइस, मैं अप्लाई करने वाली हूँ अभी ये वाला पैक, और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि बॉडी टैनिंग पे कुछ बताइए, तो मैंने सोचा चलो आज बॉडी टैनिंग पे ही बता देती हूँ। तो ये वाला पैक मैंने रेडी किया है, और ये वाला पैक मैं अभी अप्लाई करने वाली हूँ फेस एंड बॉडी पे। तो वैसे भी थोड़ी सी टैनिंग मुझे लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपने रिक्वेस्ट भी की है, आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी और मेरा टैनिंग भी हट जाएगी, तो इसी वजह से मैंने ये पैक रेडी किया है। और इसको रेडी कैसे करना है वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं अप्लाई कैसे करना है वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको कांच का या कोई भी आपका प्लास्टिक का एक बोल ले लेना है, और उसमें ऐड करना है आपको 2 चम्मच बेसन, मतलब बड़े 2 चम्मच बेसन, क्योंकि हम लोग ना बॉडी के लिए ये पैक बना रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ये वाला पैक बनाएंगे, तो इसी वजह से हम लोग 2 चम्मच बेसन ले रहे हैं यहाँ पर, और 2 चम्मच राइस फ्लावर लेंगे, तो इस तरह से। और उसमें ना हम लोग क्या बोलते हैं, तो टोमेटो की प्यूरी ऐड करेंगे, तो टोमेटो की प्यूरी आपको थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड करनी है, 2-3 चम्मच ऐसे, और अगर आपको थोड़ी सी और कम लगती है तो और भी ज़्यादा ऐड कर देनी है आपको टोमेटो की प्यूरी, क्योंकि एक टोमेटो की प्यूरी मैंने यहाँ पे बनाई थी और पूरी की पूरी लग गई थी छोटे टोमेटो की। और उसके बाद दही मिक्स करना है, दही 2 चम्मच मिक्स कर लेना है ताकि उसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, मैंने जितनी हल्दी ली है एक चुटकी तक की हल्दी आपको इसमें डाल देनी है, ज़्यादा हल्दी मत डालिएगा, नहीं तो ना पीला पीला लगने लगेगा आपका फेस, और जो आप बॉडी पे अप्लाई करोगे पूरी बॉडी पीली पीली लगने लगेगी, तो इसी वजह से हल्दी आपको थोड़ी सी कम ही मिक्स करनी है। और इस तरह से अच्छे से पेस्ट बना लेना है उसका, ताकि ये अच्छे से अप्लाई होने के टाइम करने के टाइम आपको मतलब दिक्कत ना हो, तो इसी वजह से अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद ना नींबू का जूस जो है उसमें डाल देना है ऊपर से, और वो भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऐसे ही मतलब डाल दिया था तो जूस उसका, तो इसी वजह से उसमें बीज गिर गई थी, तो वो मैंने बीज बाद में निकाल दी थी। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि अप्लाई करने के टाइम मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लूँगी ऊपर, और ताकि मेरे बाल बीच बीच में ना आए,
वैसे भी स्मूथनिंग की वजह से थोड़ा सा मुझे केयर तो करनी ही पड़ेगी अपने बालों की। और हाँ, मैंने अभी नहाया नहीं है और ये झूली झूली सी सुबह से, मतलब कल रात से ये वाली ही नाइटी पहनी हुई हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो अभी नहा लेती हूँ थोड़ी देर के बाद, तो इसी वजह से मैंने अभी ये पैक रेडी किया है और अप्लाई करती हूँ इसको, ड्राई होने तक वेट करती हूँ, इसको रिमूव करती हूँ और उसके बाद नहा लेती हूँ। कोई एक्सेसरीज पहननी है तो एक्सेसरीज को निकाल लेना है, नहीं कि मंगलसूत्र वगैरह या कुछ भी चेन वगैरह पहनी हो तो इसे उतार देती हूँ मैं और इसके बाद इसे अप्लाई करती हूँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाया है ताकि बॉडी में सारा लग जाए, क्योंकि मुझे ये पैरों पर और हाथों पर और सारे फेस पर लगाना है। तो बस आपको फेस वॉश करना है आपका, और कोई भी पैक अप्लाई करने से पहले आपको फेस वॉश करना ज़रूरी होता है ताकि आपके फेस का ऑयल और डर्ट जो है वो निकल जाए। इससे पहले आप फेस वॉश करिए, उसके बाद इसे अप्लाई करिए, इससे आपका स्क्रबिंग भी हो जाएगा। जैसे कि हमने इसमें क्या बोलते हैं, राइस फ्लावर मिलाया है, तो इससे आपका स्क्रब भी हो जाएगा। पहले आप इसे अप्लाई कर लीजिए, ड्राई होने के बाद आप इसे स्क्रब करिए, स्क्रब करके निकालिए, तब आपका स्क्रबिंग भी हो जाएगा और आपका जो टैनिंग वो भी हट जाएगा इससे, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है गाइज ये पैक। मतलब मैं जब भी इसे अप्लाई करती हूँ फेशियल जैसा ग्लो आता है। तो सिर्फ इतना है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है यार, मतलब डेली अप्लाई करने का। बट मैं उसके लिए भी आपको ट्रिक बता देती हूँ। मुझे एक्चुअली आपको दिख रहा होगा ऐसे, मैं मतलब दिखता होगा जो करती हूँ काम, बट मैं आपको बता दूँ कि मुझे इतना भी टाइम नहीं रहता है कि मैं खाना बनाने के टाइम इसे लगा लूँ या ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम इसे लगा लूँ। बट आप इसे ना आप बना के रख सकते हो। बेसन एक डिब्बे में भर के रख दिया, राइस फ्लावर उसमें मिक्स करके रख दिया, सिर्फ आपको दही और टोमेटो और क्या बोलते हैं उसे नींबू ही मिक्स करना है, हल्दी और नींबू सिर्फ उतना ही मिक्स करना है उसमें, और बस अप्लाई कर लेना है। तो इस तरह से आप बना के रख सकते हो, बट मुझे उतना भी टाइम नहीं मिलता है अपने खुद के लिए। तो ऐसे आप कोई रिक्वेस्ट कर देते हो तो मुझे फिर उस टाइम टाइम मिलता है, और मतलब टाइम क्या, आपकी रिक्वेस्ट पूरी करनी होती है इसीलिए लगाना होता है उतना, नहीं तो खुद के लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है। बट आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप खुद के लिए टाइम निकालो, क्योंकि स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी तो स्किन केयर बिल्कुल नहीं हो रहा था, और ये स्मूथनिंग की वजह से तो उसके बाद हुआ नहीं, इसी वजह से मैंने सोचा आज कर लेती हूँ। अभी अच्छे से अप्लाई कर लेना है आपको फेस पे, ये फेस नेक एंड कुछ भी जो भी पार्ट आपका टैन हो गया है। और हाँ, किसी ने मुझे नेक उनका शायद मंगलसूत्र की वजह से नेक ब्लैक हो गया था, तो नेक वाइटनिंग के लिए भी कुछ पूछा था, तो नेक वाइटनिंग के लिए यही पैक आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब मंगलसूत्र की वजह से यहाँ यहाँ ब्लैक हो जाता है, तो इसे आप अल्टरनेट डेज अप्लाई करोगे तो आपके नेक से ब्लैकनेस कम हो जाएगी, कम मतलब पूरी ही हट जाएगी ऐसे समझ लो, और आपका नेक पहले जैसा वाइट दिखने लगेगा। और इसे अप्लाई अच्छे से कर लेना है आपको। मैं हैंड पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, और क्योंकि आपके हैंड पे भी बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है, आप बाहर भी नहीं निकलते हो ना फिर भी आपकी टैनिंग क्यों होती है मैं आपको बता देती हूँ। आप खाना बनाते हो, आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करते हो घर में, उसकी वजह से आपकी टैनिंग होती है। तो हम सोचते हैं कि हम बाहर तो नहीं जाते हैं फिर भी हमारी बॉडी क्यों टैन होती है, तो आप अगर इस पैक को अल्टरनेट डेज यूज़ करोगे ना, मैं गारंटी लेती हूँ इसकी कि 15 डेज में ही आपकी जो टैनिंग है वो पूरी हट जाएगी इससे। मतलब आप अल्टरनेट डेज इसे यूज़ करोगे तो, मैं आपको बोल रही हूँ, नहीं तो आप एक दिन यूज़ करोगे फिर छोड़ दोगे, जब याद आया तब आप यूज़ करोगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अल्टरनेट डेज इसे यूज़ करना है 15 डेज तक, तो आपकी टैनिंग इससे पूरी हट जाएगी। और इस तरह से मैंने पूरा हैंड पे इसे अप्लाई कर लिया है, थोड़ा सा ऊपर करके मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर लेती हूँ। स्लीवलेस पहनना चाहिए था मैंने आज, बट मैंने सोचा ये गाउन ना थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी तो अभी मुझे इसे ढोने के लिए ही डालना था, तो मैंने सोचा इसे चेंज करने से अच्छा है इस पर ही मैं लगा लेती हूँ अभी पैक। और थोड़ा सा झोला झोला, मुझे बहुत ज़्यादा झोला होता है ये वाला गाउन, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी कपड़े पहनने चाहिए। और हाँ, पिछली बार एक बार मैंने एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं लूज़ वाला टॉप पहना था, तो उस पर कमेंट आई थी कि आप लूज़ टॉप मत पहना करो, बट मुझे भी फिटिंग के ही टॉप वगैरह पहनने की आदत है, और आपको भी देखने की आदत हो गई है मुझे वैसे, तो इसी वजह से आपको लग रहा होगा कि वो बहुत झोला था और मैं बार बार ऐसे कर रही थी तो इसी वजह से। और हाँ, अभी मैं पूरे जो पैक है वो अप्लाई कर लेती हूँ पैरों पे और मतलब पूरे बॉडी पे, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे टैनिंग हो गई है। और उसके बाद इसको आपको ड्राई होने तक वेट करना है। ड्राई होने के बाद ना इसे स्क्रब करके, इससे इस तरह से थोड़ा सा पानी लेके इस तरह से स्क्रब करके ऐसे आपको स्क्रबिंग करनी है पूरी बॉडी की, और उसके बाद इसे रिमूव करना है।
और आप देख लोगे कि एक ही मतलब यूज़ में आपको इतना ज़्यादा फर्क लगेगा इससे, और आपकी टैनिंग भी हट जाएगी। मतलब एक मैं ये नहीं बोलती कि आपकी टैनिंग एक ही यूज़ में हट जाएगी, बट काफ़ी हद तक एक यूज़ में आपकी टैनिंग हटेगी। और आप 15 डेज तक अगर इसे यूज़ करोगे, अल्टरनेट डेज अगर आप इसे यूज़ करोगे, तो आपकी टैनिंग तो पूरी ही हटने वाली है, मैं गारंटी लेती हूँ इसकी। तो चलिए मैं इसे पैरों पे अप्लाई कर लेती हूँ और इसके ड्राई होने के बाद इसे रिमूव करूँगी, और उसके बाद डायरेक्टली मिलूँगी आपको नहा धो के। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने पैक जो है वो रिमूव कर लिया था, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। ये भी मेरी हेल्प कर रहा है यहाँ पे खाना बनाने के लिए। मतलब आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन, मतलब चिकन बना रही थी यहाँ पे, तो इसी वजह से वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे कुछ काटने वाटने में और वो सारी चीज़ें करने में। तो ऐसे करते हैं, मतलब हम दोनों साथ में मिलके जब भी मतलब उनका मूड होता है, और उनको ना कुकिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से जब भी उनका मूड होता है और मतलब उनको खाना बनाना होता है, तो वो मेरे साथ बहुत बार हेल्प कर देते हैं। और इस खाना खा तरह से लिया हम मैंने लोगों चिकन ने और बना सो था, चुकी हूँ, थोड़ा तो सा इस वजह से मैं डिफरेंट ऊपर आई हूँ स्टाइल से क्योंकि मैंने मेरे चिकन वजह से बनाया उसे है। कोई डिस्टर्ब ना हो, अगर इसकी और रेसिपी टीम आपको को लगा देखनी कि है जाना तो है मुझे कमेंट करके तो ज़रूर हम लोग बताना, जल्दी के बाद और इसी वजह से मैं बहुत ऊपर ही आ गई ज़्यादा थी टेस्टी ताकि बना था इनकी नींद गाइज, पूरी हो। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, तो डिफरेंट ना स्टाइल से बनाया था चिकन थोड़ा ना सा बहुत ज़्यादा और टेस्टी बहुत बना ही था, मैंने ज़्यादा थोड़ा सा टेस्टी डिफरेंट बना था। तरीके अभी से मैं इसे बनाया ढक था के आज, रख दूंगी, और क्योंकि इसकी रेसिपी कुछ मैंने आज दिन जानबूझ के पहले आपके मतलब साथ दो चार शेयर दिन नहीं पहले की, मेरे घर पे गेस्ट आए थे, क्योंकि गेस्ट मैंने भी मीन्स ये घर पहली के बार मेम्बर बनाया हैं, था, और मतलब ना मेरी मुझे भी ये बुआ की देखना बेटी था का कि किस बेटा तरह है, से बनता आया है, था, और तो इसी वजह उसने से मैंने आज ना आपके साथ ये डिफरेंट रेसिपी तरीके शेयर नहीं से की। चिकन बनाना सिखाया था मुझे, बट उस टाइम मैं शूट नहीं करवाई, ये बोल रहे थे मुझे कि शूट करना चाहिए था, मतलब आपको भी पता चलता है, बट इतना ज़्यादा टेस्टी बना था वो चिकन, बट सेम तरीके से मैंने आज चिकन बनाया, और वो भी इतना ज़्यादा टेस्टी बनाना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब उसकी स्टाइल से बनाया था मैंने, बट थोड़ा थोड़ा याद था मुझे, थोड़ा थोड़ा नहीं था, बट उसने मतलब याद किया मैंने कि क्या क्या डाला था, क्या क्या किया था, बट सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कभी आपके साथ शेयर करूँगी, बट मैंने सोचा पहले ट्राई कर लेती हूँ, डायरेक्ट आपके साथ शेयर करूँगी तो मतलब बिगड़ ना जाए, इसी वजह से मैंने पहले ट्राई की, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कभी वो रेसिपी, और आपको चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना वो रेसिपी। और हाँ, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्लो आ रहा है, मतलब कितना ज़्यादा फेयर लग रहा है, फेस और हैंड भी देख लीजिए, मतलब मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इस फेस पैक का, पूरा जो टैन है आपका वो रिमूव करता है एक ही बार में, आप देख सकते हो एक ही बार में कितना ज़्यादा टैन रिमूव हो गया है मेरा, और देखो हैंड से भी, और वैसे आपके हैंड्स तो फेस से आपके कोई भी किसी का भी हो, फेस से आपके हैंड्स तो थोड़े से डार्क होती ही है, मेरे तो बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हो, और लेग्स तो उससे भी ज़्यादा है, बट ये पैक अप्लाई करने से मतलब देख सकते हो आप कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं आपको दिखा दूँगी, मैंने बना के भी रख दिया है बॉटल में, मतलब एक बॉटल में मैंने क्या किया है, जो बेसन होता है वो, और थोड़ा सा उसमें जितना मैंने बेसन लिया है उतना ही मैंने राइस फ्लावर लिया है, मतलब चावल का आटा, वो मिक्स करके मैंने एक बॉटल में भर के रख दिया है, तो जब भी मुझे अभी यूज़ करना होगा ना तो मैं उससे ले सकती हूँ, तुरंत मैं उससे बना सकती हूँ, ताकि मुझे दो चार डिब्बे निकालने की ज़रूरत ना पड़े और मुझे ये करना नहीं पड़े, मतलब ज़्यादा तकलीफ ना हो, तो इसी वजह से मैंने बना के रख दिया है, तो आप भी ऐसे बना के रख दे सकते हो और फिर यूज़ कर सकते हो, जब भी हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें से टमाटर की प्यूरी तो हम लोग बनाते ही है, तो उसमें से टमाटर की प्यूरी ले लिया करो, और दही तो रहता ही है अपने घर पर, तो दही और नींबू और क्या बोलते हैं तो उसमें हल्दी थोड़ी सी वो डाल दिया करो और यूज़ कर लिया करो, जब भी जब तक आपकी सब्जी बनती है तब तक आपका फेस पैक अप्लाई भी हो जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा, जब आपकी सब्जी बनेगी आप धो लिया करो, तो ऐसे ही मैं भी किया करूँगी, आप भी कर लिया करो, मतलब मैं तो आपके सामने अभी नहीं दिखाऊंगी, बट जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर लिया करूँगी, आपके लिए मैं इजी वे बता रही हूँ, आप कर लिया करो, तो चलिए फिर। और हाँ, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि घर के बारे में बताने के लिए, तो डियर मैं घर के बारे में आपको क्या बताऊँ, मतलब इतना मेहनत से बनाया है मेरे सपनों का महल मैंने, हाँ
मैं आपको क्या बताऊँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ था। मेरे घर को कितने साल हुए हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मेरे घर को मेरा मतलब 4 साल बनाने के लिए हुए हैं। 2 साल मुझे, 1.5 साल लगा मुझे बनाने के लिए, क्योंकि ना प्रॉब्लम ऐसा हुआ था, 1.5 साल इसलिए लगा बनाने के लिए, ये तो जल्दी हो जाता। ये ना यहाँ पे नहीं थे, ये आर्मी में थे, तो उस टाइम क्या हुआ था कि मुझे ये पैसे सेंड करते थे यहाँ पर, मुझे उसके लिए ही रहना पड़ा था कि मुझे मेरा घर बनाना था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर रख दिया था कि ये वहाँ से पैसा सेंड कर सके और यहाँ पर मैं देख लूँ सारा कुछ जो घर का है वो। तो जो मेरे घर का कंस्ट्रक्शन है वो पूरा मैंने अपने सामने करवाया है और मैंने ही डिज़ाइन सिलेक्ट की है, मैंने ही सारा कुछ सिलेक्ट किया है, टाइल्स से लेकर नल तक मैंने ही सिलेक्ट किया है यहाँ का। सिर्फ ये पैसे सेंड करते थे, मैं सारा कुछ मेरे मतलब मेरा ही सिलेक्शन है, जो भी है घर में मेरे मतलब आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पे अभी, तो वो मेरा ही सिलेक्शन है। और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैंने किया, बट किया वो बता रही हूँ आपको, और सबको पता है, बट जो मुझे जानता है उनको सबको पता है, बट आपको नहीं पता है। तो इसी वजह से आपने बहुत बार रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया इस पे कि आपके घर के बारे में आप बताओ, तो फाइनली मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे घर कैसा बना है, तो किस तरह से मेरा घर बनाया है और मेरा सपनों का महल किस तरह से मैंने खड़ा किया है। पहले ना हम लोग रेंट पे रहते थे, वहाँ पर जो बिल्डिंग थी उसमें 4th फ्लोर थे और उसमें ना लिफ्ट नहीं थी, तो हम लोग 3rd फ्लोर पर रहते थे। जब हमने अपना घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो उस टाइम क्या हुआ था, 6-7 महीने घर को हो गए, मतलब कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, उसके बाद ही मेरी प्रेगनेंसी रह गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया कि आप एक्जर्शन मत करो और आप ना सीढ़ियाँ मत चढ़ो। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, जल्दी जल्दी घर बना लिया, मतलब जल्दी जल्दी वो कंस्ट्रक्शन करा लिया, थोड़ा सा ही बाकी था, तो थोड़ा सा मतलब अंदर का जो है वो थोड़ा सा ही बाकी था, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा लिया। और ये छुट्टी पे आ गए थे उस टाइम, और 2 महीने में इन्होंने जल्दी जल्दी वो कंस्ट्रक्शन करा लिया और अंदर अंदर का किया, बाहर का कंपाउंड वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, तो हम लोग रहने के लिए आ गए थे। तो इसी वजह से कुछ ना चीज़ें ऐसी बाकी है, मतलब मेरे घर पर आपको दिख रहा होगा कि POP नहीं हुई है, और अभी ना POP करने के लिए थोड़ा सा मतलब वो होता है कि यार सारा कुछ सेट हो गया है, अभी POP करेंगे तो मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। तो कुछ ना मतलब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है नहीं करेंगे, बट उसके लिए बहुत टाइम निकालना पड़ेगा। तो सब हमने डिसाइड किया है कि जब भी करेंगे तब सब कुछ एक साथ ही करेंगे, एक बार कंस्ट्रक्शन मतलब जो भी निकालेंगे सामान तो एक बार निकाल लेंगे और उसके बाद सारा कुछ एक साथ ही जो मतलब इंटीरियर करना है वो कर लेंगे। जो भी अभी आपको दिख रहा है वो मैंने एक एक करके किया है, मतलब एक साथ नहीं किया है। तो प्रेगनेंसी के बाद हम लोग रहने के लिए आ गए, क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी मुझे और डॉक्टर ने मना किया था सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, तो इसी वजह से हम लोग तुरंत यहाँ पर रहने के लिए आ गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर रहने लगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने ये सारा कुछ किया, मतलब जो भी आपको अभी दिख रहा है। और अभी इसके बाद फिर POP बाकी है सिर्फ, तो वो POP भी कर लेंगे जल्दी से, क्योंकि इनको इनका क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है कि यार छुट्टी बहुत निकालनी पड़ेगी मुझे, तुम अकेले कैसे संभाल लोगी अद्विक के साथ, POP के जो क्या बोलते हैं वर्कर रहते हैं वो कितने दिन रहेंगे, मतलब POP तो पूरे घर में करनी पड़ेगी तो वो कितने दिन चलती है, और बहुत ज़्यादा घर गंदा हो जाता है तो तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी, मुझे छुट्टी निकालनी पड़ेगी, सारा कुछ हैंडल करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये बोल रहे हैं कि कुछ दिन रुक जाओ, फिर हम लोग कर लेंगे और एक साथ ही कर लेंगे फिर जो भी करना है वो। और ना उसके बाद हम लोग घर पे रहने के लिए आ गए, और उसके बाद ना हम लोगों ने वॉल कंपाउंड लिया, जो भी आपको दिख रहा है मतलब कलरिंग वगैरह जो भी आपको दिख रहा है, वॉल कंपाउंड वगैरह वो टाइल्स वगैरह वो सब हमने बाद में किया। तो इस तरह से मेरे घर की स्टोरी है और मैंने खुद संभाला जो भी है। और मतलब तो अद्विक होने से पहले ही इन्होंने आर्मी छोड़ दी, फिर उसके बाद इन्होंने पुलिस ज्वाइन कर लिया। सारे लोग पूछ रहे हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ अभी कि पहले मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, आर्मी डिपार्टमेंट में, और अभी पुलिस डिपार्टमेंट में है, महाराष्ट्र पुलिस में। तो यही है मेरी घर की स्टोरी, और इतनी मेहनत से हम दोनों की मेहनत लगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरी ही मेहनत लगी, बट मैं यहाँ पर थी तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा संभालना पड़ा, इन्होंने भी इनको भी टेंशन था और मुझे भी टेंशन था, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने 2 महीने रह के जो कंप्लीट किया है तो उस टाइम इनको भी टेंशन लेना पड़ा, बहुत इन्होंने भी मेहनत की। तो ऐसे करके हमारा घर जो है वो खड़ा हो गया, हमारा सपनों का महल खड़ा हो गया। तो हाँ बस यही बताना था आपको, और आपने पूछा था इसी वजह से मैंने आपको बता दिया। तो चलिए फिर अभी इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है ब्लॉग, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये लंबा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो।
सकते हो। मेरे दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।